हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाया जाता है किचन वेस्ट से। ये हमने लिया है कुछ किचन वेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें है अनियन है और कुछ एप्पल के छिलके हैं पूरे ख़राब हुए। अब इसमें कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट में जब जो भी आपके निकलते हैं, पर इसमें आप मटन वगैरह के जो होते हैं वेस्ट, मतलब चिकन मटन वो सब ना ले इसके अंदर में। इसके बाद में हम एक लेंगे प्लास्टिक का एक कंटेनर, जिसमें कि जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 होल कर दिया है। तो आप जैसे मैंने ये सैंपल के तौर पे लिया है, चाहे आप चाहे तो थोड़ा बड़ा बकेट भी ले सकते हैं उसके अंदर में। अब मैंने एक कंटेनर के अंदर में सॉइल फिल करके रखा है, जैसे प्लास्टिक का कंटेनर है इसके अंदर में थोड़ा सा 1-2 इंच का होल करके रखा है, ताकि मैं जो पहले वाला प्लास्टिक का कंटेनर उसके अंदर रखूँ तो ये इधर उधर पलटे ना। अब ये है प्लास्टिक का कंटेनर, इसे हम यहाँ रख देते हैं इस तरह से होल, इसके अंदर होल साइड से थोड़ी सी मिट्टी हम इसको टाइट कर देंगे। बाद में हमारे जो किचन का वेस्ट है वो इसके अंदर में हम डाल देंगे, सिंपली इसके अंदर से डालने का है। इसे डालने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हैं, ताकि उसका जो प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए, और थोड़ा सा लास्ट में इसमें पानी भी डालेंगे और इसको साइड से हम इसको फर्मली टाइट कर देंगे, ताकि ये हवा वगैरह से बकेट कंटेनर पलटे ना हमारा। अब हम ऊपर से इसके एक कवर लगा देंगे। कवर इसका नॉर्मली मैंने थोड़ा छोटा वाला लिया, ताकि इसके अंदर एयर जाते रहे। अगर आप कवर बड़ा है तो इसका आप इसके अंदर 3-4 होल भी कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर एयर जाती रहे और ये एरोबिक डिकम्पोजिशन इसका इजीली हो जाए। अगर आप इसे टोटली टाइट कर देंगे तो इसके अंदर एयर नहीं जा पाएंगी और इसका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, जिसकी वजह से काफ़ी इसमें स्मेल आने लगती है, जो काफ़ी ख़राब स्मेल आएंगी, इसलिए हम इसको एरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं। अब हमने इसे अपने बालकनी में लेके आ गए हैं। अभी जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ सूखी पत्तियाँ पड़ी हुई थी बालकनी के प्लांट से, तो ये हम इसके अंदर डाल सकते हैं सूखी पत्तियाँ भी, तो ये भी काफ़ी अच्छे के न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। सारी पत्तियाँ इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। ये हमारे किचन बालकनी का सेटअप, प्लांट्स, कुछ प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। इसके भी हम मैं आगे आपको काफ़ी कुछ डिटेल बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में। जैसे मेरा चिली का प्लांट है, काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो कर रहा है। ये मेरा ब्रिंजल प्लांट, मैंने कुछ टमाटोज प्लांट लगाए थे लेकिन वो सूख गए, और ये मैंगो के प्लांट है, ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है अभी। इसकी भी मैं आपको आगे में ग्राफ्टिंग बताऊंगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख देंगे।